In today's session, we are going to deal with autoimmunity. Now, what is autoimmunity? Autoimmunity क्या है? यहाँ पे हमारे जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो हमारे खुद के सेल्फ सेल्स और हम बोल सकते हैं सेल्फ टिश्यू के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन डेवलप करता है. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी. यानी कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे जो खुद के सेल्स हैं और जो बाहर फॉरेन सेल्स हैं, फॉरेन या कोई भी एजेंट है, उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है और वो हमारे सेल्फ सेल्स के भी अगेंस्ट एंटीबॉडी को डेवलप कर रहा है. ओके, इनको किल करने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे प्रोटेक्शन तो डेवलप कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इंजरी कॉज हो जाती है हमारे सेल्फ के अगेंस्ट. ओके, तो सेल्फ सेल्स हम सेल्फ टिश्यूज के अगेंस्ट भी देखने के लिए मिलता है, ऑर्गन्स के लिए अगेंस्ट भी देखने के लिए मिलता है. सो ऑटो इम्यूनिटी की अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन भी देख ली जाए तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, विच इज ऑटो इम्यूनिटी इज द सिस्टम ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट ओन हेल्दी सेल्स टिश्यूज एंड अदर बॉडी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ओके, यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी जो भी डिजीज कॉज करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीजेस. बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस है, हम आगे सेशन में पढ़ेंगे. यहाँ पे जो सेल्स, ये सारा जो इम्यून सिस्टम में हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इम्यून टॉलरेंस खत्म हो गया है. इम्यून टॉलरेंस क्या होता है? यहाँ पे हमारी जो बॉडी है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो डिफ्रेंशिएट करना भूल गया है. उसे बाहर हमारे जो सेल्स है, सेल्फ सेल्स भी, वो उसको बाहर के फॉरेन लग रहे हैं. इसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिल रहे हैं? ऑटो इम्यून डिजीजेस. ओके, यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्यों मेनली होती है? वैसे तो इसके फोर मेन फैक्टर्स हैं, मेबी इट्स बेसिकली बी जेनेटिक, वायरल, हॉर्मोनल एंड साइको न्यूरल न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल. जेनेटिक क्यों होंगी? मतलब जीन्स में आपका इफेक्ट आएगा. तो यहाँ पे कौन सा मेन जीन यहाँ पे रोल प्ले करते हैं? विच इज MHC, राइट? एंड वायरली क्यों होती है? कुछ बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से भी आपको देखने के लिए मिलती है ऑटोइम्यून डिजीजेस. हाउएवर, एक्स्ट्रा स्ट्रेस एंड न्यूरोकेमिकल एजेंट्स की वजह से भी आपको देखने के लिए मिलते हैं साइको न्यूरल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, और यही कॉज करते हैं आपका ऑटो इम्यून डिजीजेस, राइट? अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ऑटो इम्यून डिजीजेस ये आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ प्रोटीन की वजह से भी होती है, सेल्स और आपका टी सेल्स की वजह से, और आपका जो ऑर्गन जनरेट करते हैं ऑटो एंटीबॉडीज, उसकी वजह से भी हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस देखने के लिए मिलती हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कुछ डिजीजेस हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए. नंबर वन है आपकी ग्रेव डिजीज. ग्रेव डिजीज बेसिकली क्यों होती है? आपका हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन. तो थायराइड हार्मोन का जो हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, उसकी वजह से आपका क्या देखने के लिए मिलती है? ग्रेव डिजीज. तो बेसिकली क्या होता है इस पे? ये आपका सपोज कर लीजिए रिसेप्टर है. सो यहाँ पे आपका TSH आके बाइंड नहीं होगा, मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके बाइंड नहीं होगा. यहाँ पे एंटीबॉडी आके बाइंड हो जाएगी और आपका सिक्रीट करवाएगी आपका TH, यानी कि थायराइड हार्मोन. और ये थायराइड हार्मोन इतना ज्यादा हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा इसका कि ये नेगेटिव फीडबैक नहीं दे पाएगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कोई भी आपका नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा. नेगेटिव फीडबैक कौन देता? अगर यहाँ पे यही वाली कंडीशन होती, नॉर्मल कंडीशन होती, ये रिसेप्टर होता, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से आके बाइंड अप होता और फिर सिक्रीट करता थायराइड हार्मोन, और ये थायराइड हार्मोन जाके आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नेगेटिव फीडबैक देते कि अब सिक्रीट करना बंद कर दो TSH को, और अब हम ज्यादा सिक्रीट नहीं करना है TH हार्मोन को. ओके, तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती. बट यहाँ पे अब क्या होगा? यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे और आपकी जो एंटीबॉडी है वो आपका TSH रिसेप्टर से जाके बाइंड कर गई है. इसकी वजह से आपका कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा. सो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेव डिजीज, जो कि आपकी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. नेक्स्ट वन इज माइस्थीनिया ग्रेविस. माइस्थीनिया ग्रेविस में आपको एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर
डॉक्टर के साथ ये सब देखने के लिए मिलेगा। थर्ड है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस, विच इज गठिया, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। सो ये आपके साइनोवियल जो आपके जॉइंट्स होते हैं उसमें देखने के लिए मिलता है, वो कनेक्टिव टिश्यू में। ओके, साइनोवियल जॉइंट्स में बेसिकली गठिया की प्रॉब्लम जॉइंट्स में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। फोर्थ है आपका डायबिटीज मेलाइटिस टाइप ए, विच इज पैनक्रिया बीटा सेल एंटीजन। फिफ्थ है आपका एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एड्रीनल सेल्स के थ्रू होती है। फिर सिक्स्थ है आपका ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, विच इज आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन। आरबीसी की मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है आपकी, आरएच एंटीजन। ओके, आरएच एंटीजन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सेवेंथ है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, विच इज माइलिन बेसिक प्रोटीन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, या फिर व्हाइट मैटर आप बोल सकते हो। ओके, एट है आपका सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, इसमें ऑटो एंटीजन देखने के लिए मिलता है आपको, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।